हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं फूल गोभी की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जो कि है फूल गोभी पोस्तो। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही अलग इसका टेस्ट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फूल गोभी। तो फूल गोभी को पहले हम अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसे हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े भी नहीं करना है। इसके बाद हम लेंगे आलू, आलू को हम छील लेंगे और छीलकर इसे इस तरह से हम टुकड़ों में काट लेंगे। इसके बाद हमें लेना है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू को हमें पहले फ्राई कर लेना है क्योंकि आलू को पकने में ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा नमक और हल्दी भी डाल देंगे और मीडियम आंच में आलू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे 3-4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे फूल गोभी। अब फूल गोभी को हमें आलू के साथ अच्छे से फ्राई करना है, तो यहाँ हम गोभी के हिसाब से फिर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आलू में हम पहले ही नमक डाल चुके हैं। इसके बाद गोभी और आलू दोनों को हम साथ साथ भूनेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा जल्दी पक जाए। तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ और आँच को धीमी रखेंगे और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूल गोभी और आलू दोनों बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इसका कलर आप देख सकते हैं, हल्का गोल्डन सा हो गया है। तो इसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब चलिए इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए पोस्तो, तो पोस्तो थोड़ा ज़्यादा लेना है। इसके बाद हम लेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर है प्याज, प्याज को इस तरह से मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट ली हूँ। साथ में है टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा। इन सब का हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। इसके बाद कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल बचा था तो उसी में मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ कलौंजी। और इसके बाद जो मसाला का पेस्ट हम तैयार करके रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। अब मसाले को हमें धीमी आंच में अच्छे से भूनना है। इसके बाद मसाला में यहाँ पर हमें डाल देना है थोड़ी सी हल्दी, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक हम और डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाला जो है इसका कलर चेंज ना होने लगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला जो है इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे दही। तो दही हमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच के जितना डालना है। और बहुत ज़्यादा खट्टी दही भी हमें नहीं यूज़ करना है, नहीं तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे कि दही डालकर इसे हम थोड़ी देर तक और भून लेंगे। इसके बाद जो आलू और गोभी को हम फ्राई करके रखे थे उसे इसमें मिला देंगे। इसको भी हम मसाले के साथ 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू और गोभी दोनों मसाले के साथ अच्छे से भून गया है। तो मैं थोड़ी सी सब्जी को इस तरह से सूखा निकाल ले रही हूँ। इस तरह से भी आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद यहाँ पर हमें डालना है गर्म पानी। ध्यान रहे, हमें ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी डालना है। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा स्वाद अनुसार चीनी। इस सब्जी में अगर थोड़ी सी मिठास होती है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम ढक देंगे। ढक कर इसको हम 2 मिनट तक धीमी आँच में और पका लेंगे। इसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी फूल गोभी पोस्तो की बहुत ही हेल्दी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आप किसी को भी इस सब्जी को बनाकर खिलाएंगे तो वो एक बार आपसे इसकी रेसिपी को ज़रूर पूछेगा। तो इस सब्जी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।